உங்கள் மீடியா கனவு பணத்தால் தடைபடுகிறதா? தகுதியான நபர்களுக்கு 100% வரை ஸ்காலர்ஷிப், படிக்கும் அனைவருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப், பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ். பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜர்னலிசம் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸில் உடனே சேர psj234@yahoo.com, ஃபோன் 7338824242. தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய், இதயம் நல்லெண்ணெய். मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया जम्मू वालों की आवाज को? ऐसा नहीं चलेगा भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर, मेरे मित्र और पीएमओ में राज्य मंत्री, यहीं के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भाई जुगल किशोर जी, सांसद जम्मू लोकसभा, महापौर जम्मू श्री राजेंद्र शर्मा जी, हमारे गुर्जर साथी राज्यसभा के, खड़े हो जाइए, ऊपर नहीं आए, राज्यसभा के सदस्य महोदय श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री अरुण कुमार मेहता जी, श्री तपन डेका जी, श्री श्यामल मिश्रा जी, और आज इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को सबसे पहले मेरा राम राम, प्रणाम। आज फिर एक बार मंदिरों की नगरी में आने का मुझे मौका मिला है। उस वक्त मैं सबसे पहले मां वैष्णो के चरणों में प्रणाम कर मेरे श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है, तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष थे, 1953 में देश के उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई। इसका विरोध किया और कहा, इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करके। अरे भला, अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा जही जहां पर भी होगी बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने हमारे जम्मू कश्मीर को भारत माता का मुकुटमणि बनाने के लिए जो योगदान दिया है, इसके लिए न केवल जम्मू कश्मीर, पूरा देश ये दोनों महामानवों के हमेशा के लिए ऋणी रहेगा, उनके ऋण का स्वीकार कर। मित्रों, आज कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए आज मैं यहाँ आया हूं, तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। ये 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अभी एक महाजन संपर्क अभियान चला रही है। वो जन संपर्क अभियान में हमने 9 साल में देश कहां से कहां पहुंचा, इसकी बात करनी। मित्रों, मैं एक ही बात करता हूं, मोदी जी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार वाली यूपीए सरकार की जगह 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं कर सकता। ऐसी सरकार चलाई है और इस देश में से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए तिलांजलि देने की शुरुआत उन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया है, इस देश का उत्कर्ष किया है और इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में ढेर सारी सुविधाएं, जिसका गरीब आदमी 70 साल से राह देख रहा था, उसको पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज यहां पर 84 करोड़ की लागत से 3 उद्घाटन हुए, जिसमें मेन बक्सीनगर में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल का निर्माण, ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन और डोगरा चौक से केसी चौक तक बड़ी सड़क का उद्घाटन। इसके साथ साथ 309 करोड़ की लागत से शिलान्यास भी हुआ है, जिसमें CFSL 100 करोड़ की लागत से बनने जा रही है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। आज यहां पर गोल्ड हेल्थ कार्ड वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। लगभग जम्मू में कश्मीर में 97 लाख लोगों को एक गोल्ड कार्ड का फायदा मिल रहा है। ये मोदी जी का जम्मू और कश्मीर की घाटी पर लगाव ही है। पूरे देश भर में ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मिलती, मगर जम्मू कश्मीर में कोई भी नागरिक हो उसको 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है और हर रोज 2 करोड़ का भुगतान जम्मू कश्मीर सरकार इस पर कर रही है। हर रोज 2 करोड़ का भुगतान, और आज ये आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अभी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का मंदिर का भी यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये सभा के बाद मैं जाऊंगा और वहां पर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर आगे घाटी के लिए निकलूंगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा, ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आगे इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहाँ पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था कभी? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता, हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता? धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा ना, पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा, गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। ये न्याय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। मित्रों, कई सारे शैक्षिक नौकरियों में आरक्षण हुए, एसटी समुदाय के लिए विधानसभा में भी आरक्षण हुआ, दलित समुदाय के लिए भी आरक्षण हुआ। ये सारे बदलाव नरेंद्र मोदी जी के कारण आए। अभी अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई, महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद? मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुआ। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में, 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल, और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर हम आए, इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लेकर आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी लेकर आए, वूल प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की पॉलिसी भी लेकर आए। 2021 में नई फिल्म के लिए भी पॉलिसी लाए, टूरिज्म के लिए होम स्टे और हाउस बोट की भी पॉलिसी बनी, और ये सब का नतीजा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और मित्रों, पर्यटकों की संख्या 2022 में 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू और कश्मीर में आए, ये अब तक का सबसे बड़ा है। और 3 परिवारों को मैं कहना चाहता, आपके जमाने में इसका 50% भी कभी नहीं आया। ये 9 साल में पर्यटक बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 हुए। और मित्रों, कुल मिलाकर 47 से 2014 तक नौकरियों में बड़ी किल्लत थी। हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, 28,000 सरकारी नौकरी दी, 51,000 यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के स्थापित किए और मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 28,400 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की साथ मित्रों, जिन युवाओं के हाथ में एक जमाने में पत्थर होते थे, आज वही घाटी के युवाओं के हाथ में, जम्मू के युवाओं के हाथ में लैपटॉप देकर मन को बहुत आनंद होता है। ये परिवर्तन ये 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है। कंकड़ की जगह किताब लेकर पढ़े हुए युवा न केवल जम्मू कश्मीर देश के भविष्य को संवारने वाले। मित्रों, पहले इनके भविष्य पर ब्लैक टॉप लिखा हुआ था, अब ब्लैक बोर्ड पर वो अपना खुद का भविष्य लिख रहे। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक G20 का सम्मेलन यहां पर हुआ, कुछ पार्टियों ने पाकिस्तान के साथ आवाज मिलाकर इसका विरोध किया। मैं मनोज जी को बधाई देना चाहता हूं, सभी सुरक्षा बलों को बधाई देना चाहता हूं। एक भी विघ्न के बगैर इतने सारे देशों के नेता G20 कर कश्मीर के लिए अच्छे टूरिज्म का संदेश लेकर गए और समग्र विश्व के अंदर कश्मीर में जो हालात सुधरे हैं इसका संदेश पहुंचाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था फिर से लागू की। पहले 3 परिवारों के भ्रष्टाचार के साथ साथ 3 परिवारों के नुमाइंदे ही दिखाई पड़ते थे, अब 32,000 नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हैं जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा रहे हैं। और मित्रों, मेडिकल कॉलेज 70 साल में 4 बनाए, मोदी जी ने 9 साल में 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए और 15 नर्सिंग कॉलेज बनाए। पहले 500 मेडिकल सीटें थी, अब 600 MBBS की सीटें जोड़ दी गई है। और डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज 96 थे, अब 147 IIT और IIM जम्मू को देने का काम किया गया है। ढेर सारे विकास के काम हुए हैं, मगर इन लोगों को विरोध की ही राजनीति करनी है। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। मित्रों, इन लोगों ने तमाशा देख देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज बहुत समय के बाद भारत को अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका ने में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्य की। माताओं, भाइयों, बहनों, ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, और ढेर सारी बड़ी कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 साल में बनाने का काम किया है। और राहुल बाबा हमेशा विरोध, धारा 370 हटानी है तो विरोध करेंगे, राम मंदिर बनाना है तो विरोध करेंगे, ट्रिपल तलाक हटाना है तो विरोध करेंगे। अरे राहुल बाबा, विरोध करते करते आपका स्वभाव ही विरोध का बन गया है। मित्रों, देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय है। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाएंगे? जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाएंगे? मोदी जी की सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।